Hello students, welcome to my channel Alka Classes. In today's video, I will explain the 14th chapter of the novel The Invisible Man. I will explain this chapter with all important question answers. So, for better understanding, watch this video till end. Now, name of the 14th chapter is At Port Stowe. Students, Port Stowe is name of inn. ये एक इन का नाम है जो लाइक ए होटल है. इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. मिस्टर मार्विल वॉज नर्वस एंड अनकंफर्टेबल. इस चैप्टर में थॉमस मार्विल है वो बहुत ही नर्वस है और बहुत ही अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है. मैरिनर एंड मार्विल. मैटर मीन्स नाविक. एंड मार्विल टॉक अबाउट द इनविजिबल मैन एंड शेयर देयर ओन थॉट्स. मैरिनर और थॉमस मार्विल वो इनविजिबल मैन के बारे में डिस्कस करते हैं. मैनी इंसिडेंट्स ऑफ मनी फ्लोटिंग इन द एयर वॉज डिस्कस्ड. काफी इंसिडेंट वो डिस्कस किए जाते हैं कि कैसे जो पैसे हैं वो हवा में उड़ते हैं, कैसे हवा में वो तैरते रहते हैं. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो ये है. फर्स्ट है, व्हाट वॉज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन बिटवीन द ओल्ड मैन, ओल्ड मैरिनर एंड मिस्टर मार्विल. पोर्ट स्टोव जो इन है, जो होटल की तरह है, जहां पर थॉमस मार्विल और ओल्ड मैरिनर मिलते हैं, वहां पर उन दोनों के बीच में डिस्कशन होता है. तो उस डिस्कशन का टॉपिक क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द इनविजिबल मैन स्टार्ट हर्टिंग मिस्टर मार्विल सीक्रेटली. कि ग्रिफिन है मीन्स इनविजिबल मैन, वो थॉमस मार्विल को हर्ट करना क्यों शुरू कर देता है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में है. तो मैं एक्सप्लेन करती हूं, आपको फाइंड करना है कि इनका आंसर कहां पर है. मार्विल अराइव्स इन पोर्ट स्टोव एंड इज रेस्टिंग आउटसाइड द टाउन ऑन ए बेंच. चैप्टर की स्टार्टिंग में थॉमस मार्विल है वो पोर्ट स्टोव नाम के एक इन है उसमें बाहर बेंच पे बैठा हुआ है. ही हैज द बुक्स विद हिम. उसके पास बुक्स है, थ्री बुक्स जो ग्रिफिन की है, और जो उसका बंडल था दूसरे हाथ में वो कहीं उसने छोड़ दिया है. एंड ही सिट्स देयर एन एल्डरली मैरिनर कैरिंग ए न्यूज़पेपर. जब थॉमस मार्विल वहां पे बैठा हुआ है उस टाइम पे एक एल्डर मैरिनर होता है, वो एक न्यूज़पेपर लेकर आता है और उसके साइड में बेंच पे आके वो बैठ जाता है. रीडिंग द पेपर द मैरिनर ब्रिंग्स अप द टॉपिक ऑफ इनविजिबल मैन. उस पेपर में इनविजिबल मैन के बारे में न्यूज आई होती है, उसने जो कुछ भी डैमेज या जफर्स को हर्ट किया था आई थिंक विलेज में, वो सारी न्यूज पेपर में है और जो मैरिनर है वो उस न्यूज को पढ़ के सुनाता है. अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज पेपर, उस न्यूज पेपर के अकॉर्डिंग द मैन सफर्ड इंजरीज ऑन द कॉन्स्टेबल एट आईपिंग. इनविजिबल मैन है, उसने आईपिंग विलेज में कॉन्स्टेबल मिस बॉबी जफर्स उसको चोट पहुंचाई थी. द मैरिनर थिंक्स द स्टोरी इज बिलीवेबल. और मैरिनर को लगता है कि ये स्टोरी है जो पेपर में आई है वो उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में सारी डिटेल आई हुई है कि स्टोरी कहाँ की है, कैसे क्या है, सारे एविडेंस गिवन है जिसके बेस पर बिलीव कर सकते हैं कि स्टोरी है बिल्कुल ही रियल है. द मैरिनर थिंक्स द स्ट्रेंज थिंग्स सच ए मैन माइट बी एबल टू डू, ट्रेसपास, रोब और इवन स्लिप थ्रू ए कर्डन ऑफ पुलिसमैन. और मैरिनर के अकॉर्डिंग जो इनविजिबल मैन है वो कुछ भी कर सकता है, वो चोरी भी कर सकता है, किसी को किसी भी चीज का मिसयूज कर सकता है, किसी को किसी का मर्डर भी कर सकता है, क्योंकि वो इनविजिबल है इसलिए बहुत ही पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकता है. मार्विल बिगिंस टू टेल सीक्रेट टू द मैरिनर. अब थॉमस मार्विल को लगता है कि वो भी उसको बताए कि वो इनविजिबल मैन के बारे में कुछ जानता है. तो थॉमस मार्विल है वो मैरिनर को बताना चाहता है, तभी क्या होता है, सेइंग ही नो समथिंग अबाउट द इनविजिबल मैन. वो ये कहता है कि वो भी इनविजिबल मैन के बारे में कुछ जानता है, कुछ बताना चाहता है. सडनली ही इज इंटरप्टेड बाई एन अटैक ऑफ सम काइंड ऑफ पेन. तभी एकदम से उसे दर्द होता है और वो खड़ा हो जाता है. लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था कि ग्रिफिन जस्ट थॉमस मार्विल के साइड में खड़ा हुआ था
और जैसे थॉमस मार्वल ने ये कहा कि वो कुछ बताना चाहता है तो ग्रिफिन ने उसको मारा और जिसकी वजह से थॉमस मार्वल है वो खड़ा हो गया. ही सेज दैट ही इज टूथ एक. वो ये कहता है कि उसके दांत में दर्द हो गया है. वो ये नहीं बताता कि उसने उसको इनविजिबल ने मारा है. ही चेंजिंग हिज अर्ली ओपिनियन. अब उसका जो पहले का ओपिनियन था, कौन सा ओपिनियन, कि वो इनविजिबल मैन के बारे में कुछ जानता है, उसको चेंज कर देता है. क्योंकि जैसे ही ग्रिफिन उसको मारता है तो थॉमस मार्वल खड़ा हो जाता है, और जैसे वो खड़ा होता है तो ग्रिफिन उसके कान में ये कहता है कि वो मैडर से ये कहे कि ऐसा आइपिंग विलेज में कुछ भी नहीं हुआ था, ये सब एक र्यूमर है, अफवाह है, रियल में इनविजिबल मैन कोई भी नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. और थॉमस मार्वल वैसा ही मैडर के सामने कहता है कि जो भी पेपर में है वो सब बकवास है, वो रियल में नहीं है. थॉमस मार्वल सेज दैट द इनविजिबल मैन इज ए होक्स. वो ये कहता है कि इनविजिबल मैन है वो एक र्यूमर है, वो अफवाह है, रियल में इनविजिबल मैन नहीं है. मार्वल बिगिंस टू मूव ऑफ वॉकिंग साइडवेज विद वायलेंट फॉरवर्ड जर्क्स. और थॉमस मार्वल है वो आगे चलना शुरू कर देता है, वो चलता हुआ झटके ले रहा है, मतलब जो इनविजिबल मैन है उसको वो खींचता हुआ लेकर जा रहा है. और मैनर उसको कुछ देर के लिए फॉलो भी करता है. लेटर द मैनर हियर्स अनदर फंटास्टिक स्टोरी दैट ऑफ मनी फ्लोटिंग. कुछ देर के बाद मैनर के कुछ फ्रेंड होते हैं, वो मैनर को बताते हैं कि कुछ स्ट्रेंज थिंग्स है वो हैपन हुई है. वो स्ट्रेंज क्या है कि मनी फ्लोटिंग अलोंग ए वॉल ऑफ बटरफ्लाई फैशन, कि मनी है वो हवा में फ्लोट, वो तैर रहे हैं. एक्चुअल में ग्रिफिन है वो ऐसा करता है कि वो पैसों को लेकर जा रहा होता है, वो इनविजिबल होता है तो सभी को ये लगता है कि पैसे हवा में तैर रहे हैं. द स्टोरी इज ट्रू हाउ एवर ऑल अबाउट द नेबरहुड. और ये स्टोरी बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो पड़ोसी है वो भी यही कहते हैं, उसके फ्रेंड है वो भी यही कहते हैं. मीन्स अब हर जगह ये हो गया है कि इनविजिबल मैन है. मनी हैज बीन मेकिंग ऑफ बाय द हैंडफुल एंड डिपोजिटिंग इटसेल्फ इन द पॉकेट टू मिस्टर थॉमस मार्वल. और जब पैसे हवा में तैर रहे होते हैं उसी टाइम पे कुछ उन पैसों को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो पैसे उड़ते हुए आते हैं और थॉमस मार्वल की पॉकेट में चले जाते हैं. आफ्टर दैट द मैनर रिमेम्बर्स व्हाट हैड हैपेंड ऑन द बेंच. और ये सब सुनने के बाद मैनर को लगता है कि एक्चुअल में क्या था. एक्चुअल में क्या था मतलब अब उसकी समझ में आता है कि थॉमस मार्वल है वो इनविजिबल मैन के क्लोज है, क्योंकि जैसे ही वो कुछ बताने वाला होता है तभी उसको एकदम से पेन होता है. तो यहाँ पे मैनर सब कुछ समझ जाता है कि उस टाइम पे उसने इनविजिबल मैन ने उसको पेन किया था, उसको मारा था. तो अब उस सारी बात उसकी समझ में आ जाती है. एंड जस्ट हाउ क्लोज ही हैड बीन टू द इनविजिबल मैन. वो ये भी समझ जाता है कि थॉमस मार्वल है वो इनविजिबल मैन के बहुत ही क्लोज था. और इस तरीके से आपका ये चैप्टर है 14th वो ओवर हो जाता है. और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक वो आपको क्लियर हो गए होंगे. यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा. यदि आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.